दिल्ली की जनता से हार का बदला लेने के लिए बस मार्शलों की नौकरी खा गया मोदी। बीजेपी ने राजनीति में बेशर्मी की सारी हदें पार की। पिछले 10 सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए भ्रष्ट मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली में ईमानदारी की राजनीति से किए गए काम बेईमान मोदी के गले के नीचे नहीं उतर रहे। मगरूर तानाशाह अपना आपा खो बैठा और अपने मंत्री संतरी सांसदों के साथ मिलकर केजरीवाल को रोकने का षड्यंत्र रचा। ऐसा ही एक वाक्या है दिल्ली में बस मार्शलों की तैनाती का, जिसको मोदी के इशारे पर अक्टूबर 2023 में रद्द कर दिया गया। जरा सोचिए, उस वक्त जब दिल्ली के अंदर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, आए दिन बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के किस्से सामने आते थे, उस वक्त केजरीवाल जी ने दिल्ली की बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए डीटीसी की बसों में 16,000 मार्शल तैनात किए। लेकिन महिला विरोधी भाजपा चाहती ही नहीं कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, तभी तो एक झटके में 16,000 मार्शलों की नौकरियां छीन ली। इतना ही नहीं, राजस्व मंत्री आतिशी के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार इन बस मार्शलों का पुराना वेतन तक नहीं दे रही। क्या करें, सत्ता जाने का डर ऐसा ही होता है जनाब। जब भी चुनाव आते हैं, मोदी कभी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का फंड रोक देता है, तो कभी सीसीटीवी योजना बंद कर देता है, तो कभी एमसीडी सत्र रोक देता है, तो कभी दिल्ली अध्यादेश विधेयक लाकर एक निर्वाचित सरकार की शक्तियां ही छीन लेता है। लेकिन अब दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल ही इस तानाशाही से आपको मुक्ति दिलाएगा। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को संसद में पहुंचाकर दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाएगी। ये सभी लोकसभा प्रत्याशी संसद में दिल्ली के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, दिल्ली की जनता के लिए लड़ेंगे, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। ये लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इस बार संसद में भी केजरीवाल।